IMF की एक और शर्त पूरी, बिजली 4.96 रुपए महंगी करने की मंजूरी। नेप्रा ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी, नोटिफिकेशन का इंतजार। यूरोप हमले जैसे दहशतगर्दी वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त, आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो भरपूर जवाब मिलेगा। सिपाही सलार का दो टुक पैगाम, अफवाज पाकिस्तान को अफगानिस्तान में कलदम TTP की महफूज पनागाहों पर शदीद तहफ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाकयात में अफगान शहरियों की शमूलियत पर भी तश्वीश है। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। आर्मी चीफ दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म। जनरल आसिम मुनीर का क्वेटा गैरिसन का दौरा, यूरोप में दहशतगर्दी हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इंतखाबात के फौरी इनेकाद पर मुत्तफिक, इंतखाबी इस्लाहात और निगरान सेटअप पर मामला तय। वफाक, सिंध और बलूचिस्तान में अबूरी हुकूमतों को फार्मूला भी बन गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी समा की जुबानी। हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर डालना दुरुस्त नहीं, नई नस्ल को हुनरमंद बनाकर बेहतर नतायज हासिल किए जा सकते हैं। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए जामा हिकमत अमली नागुजीर, आइन में बुनियादी हुकूक का मकसद अवाम को खुशहाल रखना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। और मानसून का नया स्पेल शुरू, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-आब, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने मुतलका महकमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया।